जी अस्सलामुअलैकुम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा पेज लाइव और आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और पाकिस्तान में कोविड-19 की बिगड़ती हुई सूरत हाल। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब ये कहा है कि जो हालात हैं वो बहुत बुरे होने जा रहे हैं और मुझे इस बात का इल्म था कि हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे होंगे और बहुत ज़्यादा हलाकतें भी होंगी। लेकिन मुझे पूछना ये था कि आप तो कह रहे थे कि ये एक नॉर्मल फ्लू है और इसी के साथ ही 1 साल तक जो है वो यहाँ पर ज़िंदा रहना है, और आज आप कह रहे हैं कि जुलाई में पीक आने वाली है। तो मुझे ये पूछना ये था कि कहाँ पर आपका डेटा है इस वक्त और कहाँ से आप डेटा ले रहे हैं और किस तरह आप ये प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी इल्म है, और मैं यहाँ यूके में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है पीक की यहाँ पर शुरू हुई और यहाँ पर ही जो है वो डेटा को एनालाइज किया गया और डिफरेंट कंट्रीज से डेटा लिया गया और फिर पीक टाइम को प्रेडिक्ट किया गया। पीक टाइम को प्रेडिक्ट करना जो था वो इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आपको हर चीज़, हर केस को जो है वो डॉक्यूमेंट करना था और हर डेथ को आपने डॉक्यूमेंट करना था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा और पाकिस्तान में जो चीज़ों को हाम हाँ की जो है वो छोटा करके दिखाया जा रहा है, हालांकि हालातें इससे ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। और जब आपके पास डेटा नहीं होगा तो कहाँ से आप एक पीक की प्रोडिक्शन करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आई। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक जो है वो पीक आएगी, आपके पास कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है या आपका, आप कहीं भी कोई ऐसा डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं कर रहे पूरे पाकिस्तान में जहां आपको पता चले कि यहां पर प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक आएंगी और जुलाई के एंड पर जो है वो एक पीक आएगी। दुनिया में कहीं भी जहां पर पीक प्रेडिक्शन की जाती है वहां पर ये देखा जाता है कि पूरे जो इलाका है, हर इलाके में जो है वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो हर एक केस को डॉक्यूमेंट करते हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि अगर लोगों को कोरोना वायरस है भी तो वो बताते नहीं, और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड डेथ्स हो रही हैं और उनकी तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और मेरी जो, जहाँ तक इल्म है, मुझे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पहले जो है डेथ के ऐलानात जो थे वो बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है एवरी सिंगल डे जो है 2 या 3 जो डेथ के ऐलानात होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि ये जो ऑल डेथ्स हो रही हैं, जितनी भी अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में, क्या वो डॉक्यूमेंट भी हो रही हैं या नहीं, इस पर जो है वो काफ़ी सारी बातें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रही। और इसके अलावा जो है मेरे जो एक करीबी रिश्तेदार की जो है वो डेथ हुई, पहले जो है मैं भी यही समझता था कि यार शायद कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो इतना ज़्यादा ना फैले, उसकी वजह गर्म मौसम है और शायद यहाँ पर यूके में इसलिए ज़्यादा फैला है कि यहाँ पर जो है वो हम इम्यून सिस्टम जो है वो शायद इतने स्ट्रोंग नहीं है। लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरवेलम होना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप यूके की एग्जांपल लें और पाकिस्तान की एग्जांपल को साथ रखें, और वो ये है कि यूके में जो है वो हर चीज़ को जो है वो उसका प्लान किया गया है कि अब पीक आएगी, अभी हमें लॉकडाउन करना है ताकि जो इन्फेक्शन रेट है वो ज़्यादा ना बढ़े और इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि हमारा जो NHS है या जो हमारा नेशनल हेल्थ सर्विस है वो ओवरवेल्म ना हो जाए, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को खोला जाए ताकि जो प्रेशर है NHS पे वो कम से कम रहे। लेकिन आपने तो शुरू दिन से ही जो है वो इसको ओपन रखा और लॉकडाउन आप करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे, तो कहाँ से अब आप लॉकडाउन जो है वो अगर ना करके आप कह रहे हैं कि पीक आ जाएगी और आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरवेल्म नहीं होंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरी समझ से बालातर है। और अब जो हालात ये हैं कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स की अमवात हो रही हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही जो है वो दम तोड़ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो वेंटिलेटर भी मौजूद नहीं है मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शायद मीडिया में भी इतना रिपोर्ट ना हो रहा हो, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें हमें यही बताया जा रहा है, हमें वही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है।
फिर उसके अलावा डॉक्टर्स को आप जिनकी जिनकी आपने राय, सबसे इम्पोर्टेंट राय जो लेनी थी आपने उनको कभी भी सुना नहीं, और उनकी बातें आपने कभी भी जो है वो उनको सीरियस नहीं लिया। वो बार बार यही बात कह रहे थे कि ये जो इन्फेक्शन रेट है उसके लिए आपको जो है वो लॉकडाउन करना पड़ेगा, या जो हमारा जो एक ऑलरेडी ब्रोकन हेल्थ सिस्टम है उसको उसको थोड़ा सा सुकून देने के लिए आपको जो है वो लॉकडाउन करना था, और उसके बाद आपने चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करनी थी। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ईरान वाली होने जा रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट हो जाएगा और शायद जो है वो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी हैं आप कोशिश करें कि जो है वो जितने भी आप टोटके करना चाहते हैं, अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं भी, तो कोशिश करें कि पैनाडोल या जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको लें। बहुत ज़्यादा जो टोटके हैं या बहुत ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत पर एक ख़राब असर भी डाल सकती हैं, उनको बिल्कुल भी ना यूज़ करें। कोशिश करें कि कम से कम जो है वो इस वायरस को जो है वो टेंशन या उसको अपने सर पर ज़्यादा सवार ना करें, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं मीन के जो पेन किलर्स हैं वो ही लें, और होपफुली ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अब सिचुएशन ऐसी है कि हर एक दूसरे घर में जो है कोई ना कोई मौत हुई है, और उसके अलावा अब इन्फेक्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और मैंने मेरे बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदारों को जो है वो अब इन्फेक्शन्स हो रहे हैं और हुए हैं। और आप सब लोगों से यही जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो ज़्यादा घर पर रहें, और जितनी भी कोशिश कर सकते हैं इस पूरे पैंडेमिक में जो है वो कोशिश करें कि इस इन्फेक्शन को जितना भी कम किया जा सकता है कम करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, और जहाँ पर आपको मिलना ज़रूरी नहीं है या घर से बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल ना जाए। इकोनॉमिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो फिर वो इकोनॉमिक्स आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि घर पर रहें, अगर घर पर नहीं रह सकते और आपको बाहर जाना ही है तो कोशिश करें कि अपने मुंह पर मास्क रखें, और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर अपनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दें इजाज़त, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।